हेलो एवरीवन, आज मैं आपको थ्री इम्पॉर्टेंट मेटल्स यानी कि धातु, थ्री इम्पॉर्टेंट धातु के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो मेटल है उसमें आपको लिखना है सिल्वर, उसके अलावा गैलियम और लेड। ये थ्री इम्पॉर्टेंट मेटल हैं जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ जो फर्स्ट धातु है, फर्स्ट मेटल है, वो है गैलियम। गैलियम इसको जी ए से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सिंबल भी लिख लीजिएगा। गैलियम का सिंबल होता है जी ए, इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है। इसके अलावा जो इसका यूज होता है, जितने भी प्रेशर टचेस होते हैं, लाइक आपके फोन का स्क्रीन है जिसपे फिंगर लॉक लगा होता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिसमें हम जो सेंसर की हेल्प से स्टार्ट होते हैं या फिर ऑफ होते हैं, ठीक है, उन सब में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ब्लू रे टेक्नोलॉजी में, प्रेशर सेंसर्स में, फॉर टचेस स्विचेस। गैलियम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसके अलावा जो इसका एटॉमिक मास होता है वो 6.69 होता है, और आप इसको 70 भी, कहीं कहीं आपको ये 70 भी एटॉमिक मास देखने को इसका मिल सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गैलियम से रिलेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेटल है वो है लेड। लेड का जो सिंबल होता है वो पीबी होता है, इसको पीबी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज और जो सबसे कॉमन यूज है, जो आपने ज्यादातर सुना होगा, वो होता है कि इसको पेंसिल लेड में यूज किया जाता है, ठीक है। सो लेड पीबी होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 होता है। इसके अलावा जो लेड है ना वो सॉफ्ट होता है और मैलिएबल होता है। मैलिएबल और डक्टाइल कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। मैलिएबल का मतलब होता है कि जिसे शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको पीट के शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये मेटल क्या है, ये मैलिएबल है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, उनमें मोस्टली धातुओं की प्रॉपर्टी यही होती है कि उनको शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लेड के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। इसके अलावा जब लेड को एयर में रखा जाता है, खुली हवा में रखा जाता है, एटमोसफेयर में रखा जाता है, तो उस टाइम पे ये डल ग्रे कलर का हो जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इसके अलावा यूजेस पूछे जाएं कि जो लेड है इसका यूज कहाँ होता है, तो पेंसिल का आपको सबको पता है। इसके अलावा रेडिएशंस में, ठीक है, कार बैटरीज में और रेडिएशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। अब लेड और गैलियम के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटल है वो है सिल्वर। सिल्वर मतलब कि एजीस का सिंबल है, और सिल्वर का जो कॉमन यूज आपने सुना है वो ये कि इसको ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ मिठाइयों के ऊपर चांदी का एक वर्क होता है, उसमें भी सिल्वर का यूज है। और इन सब के अलावा सिल्वर का क्या इंपॉर्टेंट यूज होता है, ये सोलर टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में, कार वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। जो सिल्वर है ना, इसके यूजेस में से वन मार्कर क्वेश्चन बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिल्वर है हमारे अर्थ में, नेचर में ऑलमोस्ट हर जगह ये प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा ये सॉफ्ट होता है और वाइट होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब जो जिसमें थोड़ी चमक होती है, मतलब कि जो सिल्वर है वो एक चमकदार धातु है। इसके बाद में एटॉमिक नंबर इसका 47 होता है, और सिंबल तो मैंने बता दिया इसका एजी होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स थे, तीन इंपॉर्टेंट धातुएं थी, जिसमें फर्स्ट गैलियम है, सेकंड है लेड, एंड थर्ड वन इज सिल्वर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको लिखना नहीं है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।